Hello, good morning students. Welcome to Shri Shraddha English Medium School. Last lecture में हमारा जो chapter number 2 था, उसमें हमने उसके introduction topic थे, वो हमने learn कर लिए. Now, आज हम exercise करने वाले हैं exercise number 2.1. So, आप सभी student को अच्छी तरह से ध्यान देना है. सबसे पहले हमारा question number 1 आप देखो. Write the next 3 natural number after 10,999 के 10,999 है उसके बाद के हमारे नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर हमें लिखने. सो हम क्या करेंगे कि जो 10,999 है उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे. सो 11,000 में से उसके आफ्टर नंबर मिल गया हमें, 11,000 मिल गया. अब 11,000 में भी 1 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या मिला, 11,001. और उसमें भी 1 ऐड करेंगे तो क्या मिला, 11,002. तो 10,999 के बाद आफ्टर नेक्स्ट थ्री नंबर क्या हुए, 11,000, 11,001 एंड 11,002. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द थ्री होल नंबर ऑक्यूरिंग द जस्ट बिफोर 10,001 कि 10,001 के पहले के जो थ्री नंबर से वो हमें लिख रहे. तो सबसे पहले क्या करना होगा, 10,000 में से 10,001 है उसमें से हमें 1 कट करना होगा तो क्या मिला, 10,000 मिला. तो ये फर्स्ट नंबर मिल गया हमें 10,000. अब क्या करेंगे, 10,000 में से फिर से 1 कट करेंगे तो क्या हुआ, 9,999. अब क्या करेंगे, 9,999 में भी 1 कट करेंगे तो क्या करेंगे, 9,998. सो 10,001 के पहले के तीन नंबर क्या हो गए, 10,000, 9,999 एंड 9,998. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53 कि 32 एंड 53 के बीच में कितने नंबर होंगे. तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हमें 32 भी नहीं गिनना है और 53 भी हमें नहीं गिनना है, उसके बीच में बिटवीन का है. तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो उसके लिए मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 53 में से 32 कट कर देंगे. तो 53 में से क्या करेंगे, 32 कट करेंगे, मतलब आपका आंसर आएगा 21 आएगा. अब 21 में से 1 हम कट कर देंगे तो हमारा ये दोनों के बीच में कितने नंबर हो गए, 20 नंबर. अब ऐसे गिन भी सकते, 33 से लेके काउंट करो 52 तक, तो कितने नंबर्स हो गए, टोटल 20 नंबर्स हो गए. क्योंकि अब जो लास्ट वन क्यों, हमने जो 53 में से पहले 32 नंबर तो हमने कट कर दिए थे, मींस 53 में से 32 हमने कट कर दिए, तो ये दोनों के बीच में क्या, 20. अब देखो हमें 53 भी हमें क्या करना है, हमें वो भी काउंट नहीं करना है, इसलिए उसका माइनस वन किया, वो भी नंबर हमने कट किए तो हमें क्या मिला, 20 नंबर. हियर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53. राइट द सक्सेसर ऑफ, हमें क्या करना है, सभी के सक्सेसर नंबर लिखने. तो आपको यहाँ दिया गया है देखो 24,40,701. तो सक्सेसर नंबर में क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे. आप कोई भी नंबर का सक्सेसर नंबर करना है आप तो क्या करना है, प्लस 1 कर देना है. तो यहाँ मैंने जो प्लस 1 किया तो नंबर क्या मिल गया, 24,40,702. इसी तरह आपके ये जो सभी ए बी सी डी सभी सब में क्या करना है कि आप कोई भी नंबर का सक्सेसर नंबर बनाओ तो आपको क्या करना है, प्लस 1 ऐड करना होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ, हमें क्या करना है, प्रीडिसेसर बनाना है, जो नंबर्स दिए गए उसके प्रीडिसेसर नंबर लिखने हैं. तो हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया गया है उसमें से माइनस 1 करेंगे. क्या करेंगे, माइनस 1. सक्सेसर में हमने क्या किया था, प्लस 1 किया था ना, लेकिन प्रीडिसेसर में क्या आएगा, माइनस 1. तो देखो यहाँ एक एग्जांपल आपको दिया गया 94, तो 94 का प्रीडिसेसर लिखना है तो क्या करेंगे, 94 माइनस 1 तो क्या आएगा, 93. इसी तरह 10,000 है तो 10,000 में आप 1 कट करो तो क्या होगा, 9,999. तो इसे ए बी सी और डी आपको फोर क्वेश्चन दिए गए तो उसके प्रीडिसेसर. फिर नेक्स्ट हमारे जो है वो देखते हैं,
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच वो नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट द अप्रोप्रिएट सिग्नेचर बिटवीन देम। हमें क्या करना है, दो नंबर दिए गए, उस दोनों का नंबर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा नंबर है, और फिर हमें क्या लिखना है कि कौन सा नंबर है दूसरे नंबर से लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में मीन्स जो छोटा नंबर होगा वही लेफ्ट साइड में होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो नंबर लाइन में क्या होगा, राइट साइड होगा। सो जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखो, देखो 530 और दूसरा दिया गया है 503। तो देखो आप ऑलवेज क्या होगा, 530 है वही बड़े होंगे, सो 503 है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड हो गया, कि 503 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन, ये जो 530 उसके कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड होगा। फिर इसी तरह 370 और 307, तो उसमें बड़ा नंबर क्या होगा, 370, तो जो 307 है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा 370 के। फिर ऐसे सी और डी वाले सम दिए गए हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझना होगा। नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स दिए गए हैं कि जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में जीरो आता है नहीं आता है, जीरो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, वन से स्टार्ट होता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बी 40 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399, नहीं 400 क्या होगा, सक्सेसर होगा, इसलिए फॉल्स आएगा। फिर जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये ट्रू, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, 599 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, 600, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, के जो नेचुरल नंबर है होल नंबर हो गए, यस, क्योंकि होल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है और बाकी सब नेचुरल नंबर भी। फिर ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, के जो सभी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो गए, तो नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जीरो है जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर में वो इंक्लूड होगा नहीं, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। द प्रेडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। वन नेचुरल नंबर वन इज नो प्रेडिसेसर, कि देखो जो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वन होगा, तो उसका तो प्रेडिसेसर होगा नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द होल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, अब देखो होल नंबर है, होल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, जीरो होगा ना, सो वन का भी प्रेडिसेसर होगा क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। The whole number 13 lies between 11 and 12. एक भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। The whole number 0 has no predecessor. तो ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि देखो whole number 0 है, 0 से छोटा नंबर कोई भी होगा नहीं होगा, क्योंकि whole number में सबसे छोटा नंबर 0 है, इसलिए उसका predecessor होगा नहीं। The successor of two digit number is always a two digit number. तो ये भी क्या है, फॉल्स होगा, क्योंकि देखो 99 है, उसका सक्सेसर नंबर लिखो तो क्या होगा, 100 होगा, ये तो थ्री डिजिट नंबर हो गया ना, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होते है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।